हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नया पाद हैंडीक्राफ्ट। आज यहाँ पर मैं एक कार्टून का ग्राफ लेकर के आई हूँ। ये बच्चों के स्वेटर में बनेगा। यहाँ पर ये जो नीचे वाला है ये बॉर्डर रहेगा। ये बॉर्डर देखिए 1 2 3 4 5 सिलाइयों का रहेगा और ये जो ग्राफ है वो 23 सिलाइयों का रहेगा और 14 फंदों का ये ग्राफ रहेगा। 16 फंदों का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदों का ये ग्राफ रहेगा। एक एक फंदों का गैप रहेगा हर ग्राफ के बीच में यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नीचे में ये और ऊपर में ये 1 एंड 3 फंदों का ये ग्राफ रहेगा। ये जो ग्राफ बनेगा वो बॉर्डर के बाद से इसको स्टार्ट करना है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो फिर इसे देखिए यहाँ पर ये दूसरे कलर का रहेगा, ये दूसरे कलर का और ऊपर वाला दूसरे कलर में, 3 कलर्स में रहेंगे। और जो कलर ये रहेगा, जिस कलर से ये ग्राफ बनेगा बॉर्डर वाला, उस कलर से ये ग्राफ बनेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने 18 फंदे लिए हुए हैं और यहाँ पर दोनों साइड से एक एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। यहाँ पर 2 फंदा वाइट से बुन लेना है, फिर यहाँ पर 6 फंदा ऑरेंज से बुनना है, 3 4, फिर अब यहाँ पर 2 फंदा वाइट से बुन लेना है, फिर यहाँ पर 6 फंदा ऑरेंज होगा, 3 4 5 एंड 6, 6 फंदा ऑरेंज और 2 फंदा यहाँ पर वाइट होगा। उसके बाद अब पीछे से यहाँ पर देखिए, पीछे से अब तो यहाँ पर देखिए पीछे से यहाँ पर देखिए 2 फंदा वाइट है जो कि यहाँ पर 4 फंदा वाइट हो जाएगा, 2 फंदा इधर से और ये जो 2 फंदा बीच में ऑरेंज रखना है। और अभी ये देखिए ये जो बीच वाला वाइट है ये किनारे में है इसीलिए यहाँ पर 4 फंदा हुआ और बीच में जो है इसे 6 फंदा हम कर देंगे। यहाँ पर ये 6 फंदा देखिए 5 एंड 6 फंदा हो गया वाइट। अब फिर यहाँ पर 2 फंदा हमें ऑरेंज से बुन लेना है, फिर अब यहाँ पर 4 फंदा वाइट हो गया। अब आगे से देखिए इसी तरीके से पूरे स्वेटर में बनाना है, 2 फंदा वाइट और 6 फंदा ऑरेंज, 2 फंदा वाइट 6 फंदा ऑरेंज, इस तरीके से पूरे स्वेटर में रिपीट करते जाना है। अब यहाँ पर ये जो 4 फंदा यहाँ पर है इसे हमें देखिए क्या करना है, 4 फंदा वाइट को पूरा सिलाई यहाँ पर वाइट से बुन लेना है। यहाँ पर जितना फंदा है सबको वाइट से बुन लेंगे और ऑरेंज को यहाँ पर लाएंगे इस साइड, तो पूरे यहाँ पर मैं वाइट से बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कलर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना है, जहाँ पे 2 फंदा वाइट है वहाँ पे 2 फंदा ऑरेंज करना है और यहाँ पे 6 फंदा वाइट रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फंदा वाइट और 2 फंदा ऑरेंज। नीचे में जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर 2 फंदा वाइट और 6 फंदा ऑरेंज रहा है। अभी यहाँ पर जब इसे हम दूसरा कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये 2 फंदा ऑरेंज रहेगा, जहाँ पर वाइट रहेगा वहीं पर ऑरेंज करना है, नहीं तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया है और अब यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज है जो कि साइड में इसे 4 फंदा ऑरेंज करना है, 2 फंदा इधर से वाइट को ऑरेंज करना है, 2 फंदा उधर से। अभी यहाँ पर हम 2 फंदा वाइट करेंगे, 2 फंदा यहाँ पर वाइट हो गया, फिर यहाँ पर देखिए 6 फंदा ऑरेंज होगा, 2 3 4 5 एंड 6, 6 फंदा ऑरेंज हो गया, फिर यहाँ पर 2 फंदा यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 फंदा करना है, 6 फंदा ऑरेंज, 2 फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर 4 फंदा ऑरेंज होगा और उसके बाद पीछे से पूरा ऑरेंज बुन लेना है। यहाँ पर 4 सिलाई बुनना है ग्राफ बनाने के लिए। स्वेटर में जब ग्राफ बनेगा तो 4 सिलाई पीछे से, आगे से, पीछे से, 3 सिलाई भी बुन सकते हैं और यहाँ पर 3 सिलाई सही रहेगा क्योंकि आगे से ग्राफ बनेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं 1 सिलाई बुनने के बाद आपको ग्राफ बता रही हूँ। अब यहाँ पर हम ऊपर वाला ग्राफ स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो 4 फंदों के बाद स्टार्ट होगा,
यहाँ पर मैंने दोनों साइड से एक एक फंदे एक्स्ट्रा लिए, तो यहाँ पर फाइव फंदे बुन लेने पहले ऑरेंज से, थ्री फोर एंड फाइव। उसके बाद यहाँ पर थ्री फंदा वाइट से बुनना है, वन टू एंड थ्री, थ्री फंदा वाइट हो जाएगा, थ्री फंदा ऑरेंज होगा, वन टू एंड थ्री, फिर थ्री फंदा यहाँ पर वाइट होगा, वन टू एंड थ्री, फिर यहाँ पर फोर फंदा ऑरेंज बचेगा, इसे हम फोर फंदा ऑरेंज से बुन लेंगे। अब पीछे से यहाँ पर ये फोर फंदा ऑरेंज है, जो कि अभी हम इसे फाइव फंदा ऑरेंज कर देंगे। यहाँ पर थ्री फंदा जो वाइट है, इसे वन फंदा वाइट करेंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा वाइट को ऑरेंज कर देंगे। यहाँ पर देखिए थ्री फंदा ऑरेंज होगा, और ये जो थ्री फंदा वाइट है वो देखिए फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स फंदा वाइट हो जाएगा और थ्री फंदा यहाँ पर ऑरेंज होगा। फिर अभी आगे से इसे देखते हैं, आगे से यहाँ पर ये जो थ्री फंदा ऑरेंज है टू फंदा करेंगे, फिर यहाँ पर थर्ड सिलाई में हमें तो एक एक फंदा ऑरेंज को वाइट करेंगे, यहाँ पर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, यहाँ पर एट फंदा वाइट हो गया, बाकी सारे फंदों को ऑरेंज से हम बुन लेंगे। अब यहाँ पर पीछे से वन टू थ्री फोर, ये देखिए हम फोर्थ सिलाई में, तो यहाँ पर एक फंदा और ऑरेंज को वाइट करना है यहाँ पर, उसके बाद जहाँ तक वाइट है उसे वाइट से बुन लेंगे और जो ऑरेंज है उसे ऑरेंज से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स वन फंदा हम ऑरेंज से बुनेंगे, फिर यहाँ पर वन फंदा ऑरेंज को वाइट करेंगे, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, यहाँ पर टेन फंदा वाइट हो गया, फिर यहाँ पर ऑरेंज जो है उसे ऑरेंज से बुन लेंगे, आगे से भी और पीछे से भी, पीछे से पूरी सिलाई सेम बुननी है जो जैसे है वैसे। अब यहाँ पर आगे में देखिए वन फंदा जो ऑरेंज है इसे हम ऑरेंज से बुनेंगे, फिर यहाँ पर टू फंदा वाइट रहेगा, फिर यहाँ पर वन फंदा ऑरेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पर वाइट से बुनना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, वन फंदा इधर ऑरेंज को वाइट करना है, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स फंदा ऑरेंज हो जाएगा, फिर अभी जो ऑरेंज है उसे ऑरेंज से बुनेंगे और जो वाइट है उसे वाइट से बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स वाइट ऑरेंज को ऑरेंज, वाइट एक फंदा वाइट को छोड़कर पूरा वाइट बुनना है, यानी यहाँ पर थ्री सिक्स एंड सेवन, सेवन फंदा वाइट रहेगा और यहाँ पर थ्री फंदा ऑरेंज हो जाएगा और वन फंदा वाइट और वन फंदा ऑरेंज हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर आगे से वन फंदा ऑरेंज एक्स्ट्रा है, जिसे इसे ऑरेंज है तो इसे ऑरेंज से बुनना है, फिर वाइट एक फंदा इसे वाइट से, फिर अभी यहाँ पर फोर फंदा ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर वाइट से बुनना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहाँ पर सेवन फंदा वाइट होगा, फिर ऑरेंज से बुनना है, जो ऑरेंज है, फिर अभी पीछे से यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर फंदा ऑरेंज होगा, उसके बाद अभी एक फंदा हम ऑरेंज को करेंगे वाइट, यहाँ पर टू थ्री फोर, यहाँ पर फोर हो गया,
फिर 5, 6, 7 यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवन फंदा यहाँ पर और वाइट होगा और एक फंदा वाइट को ऑरेंज कर देंगे और बाकी सारे फंदों को ऑरेंज से बुन लेंगे पीछे से भी और आगे से भी। अब देखिए फ्रेंड्स ऑरेंज तक ऑरेंज से मैंने बुन लिया। अब यहाँ पर वाइट देखिए 3, 4, 5, 6, 7 सेवन फंदा है, एक फंदा और हो जाएगा, एक फंदा यहाँ पर वाइट हो जाएगा और 3 फंदा जो ऑरेंज है इसे ऑरेंज से बुन लेना है। अब यहाँ पर देखिए 3 फंदा ऑरेंज को ऑरेंज से बुनना है, यहाँ पर 1, 2 एंड 3 3 फंदा ऑरेंज हो गया, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 9 फंदा वाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 फंदा ऑरेंज है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 फंदा यहाँ पर ऑरेंज होगा, फिर यहाँ पर एक फंदा ऑरेंज को वाइट करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 फंदा वाइट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज, 2 फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 2 फंदा ऑरेंज, फिर अभी वन फंदा यहाँ पर ऑरेंज, 2 फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 3 एंड 4 4 फंदा यहाँ पर ऑरेंज हुआ, फिर यहाँ पर 4 फंदा वाइट, 1 फंदा ऑरेंज, 2 फंदा वाइट, बाकी यहाँ पर 4 फंदा ऑरेंज, फिर अभी यहाँ पर देखिए 4 फंदा ऑरेंज है जो कि यहाँ पर 3 फंदा हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक फंदा ऑरेंज को वाइट करना है, यानी यहाँ पर 2 फंदा वाइट होगा, एक फंदा वाइट को हमें करना है ऑरेंज, 2 फंदा ऑरेंज हो गया, फिर यहाँ पर 4 फंदा वाइट से बुनेंगे, फिर अभी 1, 2, 3, 4 एंड 5 फंदा यहाँ पर ऑरेंज होगा, 1 फंदा वाइट होगा, 1 फंदा ऑरेंज होगा, फिर अभी यहाँ पर 1 फंदा ऑरेंज है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदा यहाँ पर ऑरेंज, फिर यहाँ पर 2, 3, 4 एंड 5 5 फंदा वाइट हुआ, फिर यहाँ पर 4 फंदा ऑरेंज, 1 फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 3 फंदा ऑरेंज हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदा ऑरेंज, फिर यहाँ पर देखिए 5 एंड 6 6 फंदा यहाँ पर वाइट हो गया और 4 फंदा ऑरेंज हो जाएगा और पीछे से सेम बुन लेना है, आगे से जैसे वैसे पीछे से सेम बुन लेना है, पीछे से सेम टू सेम मैंने बुन लिया, आगे से ऑरेंज तक ऑरेंज बुन लिया, फिर वाइट में देखिए 2 फंदा वाइट, 1 फंदा ऑरेंज, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ऑरेंज, 1 फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 4 फंदा ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए पीछे में 4 फंदा ऑरेंज, 1, 2, 3, 4,
फाइव एंड सिक्स, सिक्स फंदा वाइट और जो ऑरेंज है उसे ऑरेंज से आगे से फिर पीछे से भी बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑरेंज तक ऑरेंज से मैंने बुन लिया, एक फंदा वाइट को कर देना है यहाँ पर ऑरेंज, फिर यहाँ पर देखिए सिक्स फंदा वाइट और फोर फंदा ऑरेंज को बुन लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पीछे में फोर फंदा ऑरेंज को ऑरेंज से बुन लेना है, फिर यहाँ पर देखिए एक फंदा वाइट बुन लेना है ऑरेंज कर लेना है, फिर यहाँ पर थ्री फंदा ऑरेंज होगा वाइट होगा, यहाँ पर देखिए इसको ऑरेंज करना था एक फंदा को तो यहाँ पर थ्री फंदा वाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए थ्री एंड फोर, फोर फंदा यहाँ पर ऑरेंज होगा, वन फंदा वाइट होगा, फिर यहाँ पर देखिए थ्री फोर एंड फाइव, फाइव फंदा ऑरेंज हो गया। अब ये लास्ट सिलाई है तो यहाँ पर देखिए थ्री, यहाँ पर टू थ्री एंड फोर, फोर फंदा यहाँ पर हो जाएगा ऑरेंज, एक फंदा वाइट है जिसे हम थ्री फंदा कर देंगे, दोनों साइड से एक एक फंदा ऑरेंज को वाइट कर लेंगे और बाकी सारे फंदों को यहाँ पर हम ऑरेंज कर देंगे और पीछे से सारा फंदा ऑरेंज बुन लेंगे। यहाँ पर ग्राफ कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैं आपको पीछे से पूरा ऑरेंज बुनकर इसके बाद दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये ग्राफ रेडी हो गया है, देखिए कितना प्यारा है, इसे यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है, उसके बाद ये ग्राफ बनेगा। अगर आप चाहें तो स्वेटर में इस बॉर्डर को ऊपर में बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने नीचे में बनाया है। तो देखिए इस तरीके से आप इस ग्राफ को ट्राई करिए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।